Welcome to the Bible study hour of the LifeSpring Assembly of God in Lucknow. और आप सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन के समय में जो कि LifeSpring Assembly कलीसिया के द्वारा किया जाता है आज की शाम. May the Holy Spirit this morning, this evening, anoint each one of us to both to deliver the message, the studies, and also to receive. और होने दे पवित्र आत्मा हम सबको हमें अभिषिक्त करे ताकि हम आपको ये संदेश ये अध्ययन पवित्र आत्मा की अगुवाई में देने पाएं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसे समझने और ग्रहण करने पाएं. Remember, we are in chapter 9 of the first Corinthians. और याद रखिए हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके नवे अध्याय के अध्ययन में हैं. So far we have considered up to verse 15. और अभी तक हमने 15वें वचन तक अपने अध्ययन को रखा. And where Apostle Paul is talking about a minister's right to be financially supported by the church and by the people among whom he ministered. जहाँ पर पौलुस प्रेरित बात करता है एक अगुवे के विषय में कि कैसे उसके पास एक अधिकार है एक अगुवे के पास कि वो आर्थिक रूप से कलीसिया के द्वारा अपनी सहायता और सहयोग को पाए. So people need to realize that ministers are highly called of God. And deserve their due, both respect and also financial support. और लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के ये दास और सेवक एक उच्च बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हैं और उनको ये उनके योग्यता है ये उनका अधिकार है कि वो अपने सहयोग अपनी सहायता को कलीसिया से प्राप्त करें. Next section begins in verse 16 to 23. Of chapter 9. और अगला भाग जो हमारे अध्ययन का है वो पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका नवा अध्याय 16वें वचन से लेकर 23वें वचन तक है. And so we shall read this once. और इस वचन के इस भाग को हम एक बार पढ़ेंगे. And continue our study. और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है. यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है तो मेरी कौन सी मजदूरी है या कि सुसमाचार सुनने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूँ. यहाँ तक कि सुसमाचार जो मेरा अधिकार है उसको भी पूरी रीति से काम में ना लाऊं क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं. मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं. जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं. व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं. मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं. मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं. Amen. May our hearts be blessed by the blessed word of God and its reading. और होने दे परमेश्वर के आशीषित वचन के पढ़े जाने से हमारे हृदयों को आशीष मिले. Remember, the Holy Spirit is our best teacher. और याद रखिए पवित्र आत्मा ही हमारा सच्चा शिक्षक है. Each one of us need him tonight. और हम में से हर एक को उसकी आवश्यकता है आज की शाम. To enlighten us, ताकि वो हमें प्रकाशित करे and enlarge our understanding, और हमारी समझ को बड़ा करे and understanding of God's word is necessary for us to apply them in our practical life. और परमेश्वर के वचन को समझना बड़ा आवश्यक है ताकि हम उसे स्वाभाविक रीति से अपने जीवन में लागू कर सकें. This passage entitled The Minister and His Compulsion to Minister. और इस शीर्षक या वचन के इस भाग का शीर्षक है कि सेवक और उसका अधिकार कि एक सेवक बने रहने का अधिकार इस कंपल्शन टू
और उसका एक बोझ कि कैसे वो एक सेवक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्स 16, और पहली बात 16वें वचन में, लेट अस लुक इनटू दैट वर्स, और आइए उस वचन की ओर हम देखें. फॉर इफ आई प्रीच द गॉस्पेल दैट गिव्स मी नो ग्राउंड फॉर बोस्टिंग फॉर नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी ओ टू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल. यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है. यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल, व्हाट इज हिज थिंकिंग अबाउट द गॉस्पेल, और पहली बात पॉलस की सुसमाचार के विषय में क्या सोच है. ही सेज पॉल थॉट ऑफ द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल क्राइस्ट as laying so heavily upon him. और पौलुस ने इस बात को ऐसे लिया कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने का जो उद्देश्य है उसके हृदय पर एक भारी बोझ के संग आया. That if he did not preach it, some undefined disaster would come upon him. कि यदि वो उस समाचार का प्रचार नहीं करेगा तो कुछ अनसुनी अनकही विनाश की बात उसके ऊपर घटेगी. So you can imagine the seriousness with which Paul considers his calling to preach the gospel. और इसलिए आप पौलुस की उस बुलाहट को, उस बुलाहट की उस गंभीरता को समझ सकते हैं कि किस गंभीरता के संग वो सुसमाचार सुनाता है. Paul was a man of duty. और पौलुस एक कार्यशील व्यक्ति, एक कार्य करने वाला व्यक्ति. And he was motivated by mercy and grace. और वो दया और उस अनुग्रह के द्वारा अपने प्रोत्साहन को पाता था. And according to him, और उसके अनुसार, he must preach the gospel. उसे उस सुसमाचार का प्रचार करना आवश्यक है. He could not escape it. और उससे वो बच नहीं सकता. There is no reason to boast about also. और इसके लिए कोई कारण भी नहीं है जिस पर वो घमंड करे. So he says, I cannot boast. और इसलिए वो कहता है मैं इन बातों के विषय में घमंड नहीं करता. So Paul was compelled to preach the gospel. और इसलिए पौलुस के ऊपर वो बोझ था, वो आवश्यकपन था कि वो सुसमाचार का प्रचार करे. He was pressed forward and he was or in other words duty bound. और ये तो उसकी जिम्मेदारी थी, उसका कार्य था, और वो उस कार्य से बंधा हुआ था कि उसे सुसमाचार का प्रचार करना है. God has had called him to preach the gospel. और परमेश्वर ने उसको बुलाया कि वो सुसमाचार का प्रचार करे. Therefore, और इसलिए, it was his charge. और ये तो उसका अधिकार था. It was his work. और ये उसका कार्य था. It was his business and his calling in life. और यही उसका व्यवसाय और बुलाहट थी जीवन में. And how seriously he has taken it. और कितनी गंभीरता के साथ उसने इस बात को लिया. It was not his decision to preach. और ये उसका निर्णय नहीं था कि वो सुसमाचार का प्रचार he करेगा. He was called and compelled to preach. और उसे तो बुलाया गया और उस पर वो बोझ आया कि वो उस समाचार का प्रचार करे. If he did not preach, अगर वो प्रचार नहीं करता, he would be disobeying the law. तब वो परमेश्वर के प्रति अनज्ञाकारी हो जाता. And God would miss the very purpose of his life upon earth. और वो परमेश्वर के अपने जीवन में जो उद्देश्य था उसको इस पृथ्वी पर वो खो देता. And so this was his calling. और ये उसकी एक बुलाहट थी. It was not merely a job. और ये सिर्फ एक काम नहीं, एक व्यवसाय नहीं. This is something ministers of the gospel must realize. और इसी बात को सुसमाचार के सेवकों को समझना और जानना अनिवार्य है. To be a preacher of the gospel. कि एक सुसमाचार का प्रचारक होने के नाते. Whether as a teacher. चाहे वो एक शिक्षक है. Or an evangelist. चाहे एक सुसमाचार प्रचारक. Or a pastor. या एक पासवान है. Or a youth worker. या एक जवानों के बीच सेवा करते हैं. Form it may take. और या किसी भी रीति से वो सेवा क्यों नहीं करते. They must take it so seriously that because it is not a job and it is not a profession,
to earn anything in life. क्योंकि उन्हें इसे बड़े गंभीरता के साथ लेना था कि ये कोई कार्य नहीं, ये कोई व्यवसाय नहीं जिसके द्वारा वो कोई कमाई करें, लेकिन एक बड़ी बुलाहट है. Yes, it was a calling. ये एक बड़ी बुलाहट है. And when you are called to do something, और हाँ, जब आप बुलाए जाते हैं किसी बात को करने के लिए, your eyes are not on any material gain or any popularity or anything that you personally want to gain. तब आपकी आंखें उस वस्तुओं के ऊपर, उस समृद्धि के ऊपर, उस प्रसिद्धि के ऊपर नहीं लगती जो आप चाहते हैं. And also his preaching was not a matter of choice. और याद रखिए, उसका प्रचार कोई चुनाव करने की बात नहीं था. Preaching was a matter of duty. लेकिन उसका प्रचार करना तो उसकी जिम्मेदारी और कार्य था. And this great sense of duty speaks of the deep impact. और ये एक गहरी जिम्मेदारी की भावना अपने कार्य के प्रति एक बड़े परिणाम को लेकर आती है. And not only impact but also the responsibility. The call of God brings to a minister's life. और ना केवल एक परिणाम स्वरूप, लेकिन एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी जो एक परमेश्वर की बुलाहट उसके परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के सेवक के जीवन में लेकर के आता है. Who is the master? और स्वामी कौन है? The Lord of eternity and the Lord of heaven and earth. याद रखिए, वो अनंत का परमेश्वर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर. So it was not merely an earthly call. और इसलिए याद रखिए, सिर्फ एक कोई पृथ्वी की बुलाहट नहीं थी. It is a heavenly calling. लेकिन ये एक स्वर्गीय बुलाहट है. And if it is an heavenly calling. और अगर एक ये स्वर्गीय बुलाहट है. Remember, you cannot disobey. तब याद रखिए, आप अनज्ञाकारी नहीं बन सकते. One has, of course, the choice. और एक के पास हाँ चुनाव करने का तो है. You can choose to disobey. और आप चुन सकते हैं कि आप अनज्ञाकारी बने. But your disobedience would be to your own disadvantage. और लेकिन आपका अनज्ञाकारी बनना आपके लिए ही एक अलाप की बात बनेगी. Now this great sense of duty speaks of the of that. Great impact. और ये एक कार्य के प्रति गहरी जिम्मेदारी एक बड़े परिणाम के विषय में बात करती है. So in connection with this, और इन बातों को जोड़ते हुए, let us read a few scripture passages. आइए हम कुछ वचनों को पढ़ें. First of all, Matthew chapter 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय. Verses 19 and 20. 19वां और 20वां वचन. Jesus himself. Speaking to the disciples just before he was taken up to heaven. और यीशु यहाँ पर खुद अपने चेलों से बात करता है इससे पहले कि उसका स्वर्गारोहण हो. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you. Always to the end of the age. इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ. Here is the Lord's own command. और यहाँ पर हम परमेश्वर की आज्ञा को देखते हैं. There is no salary package. और यहाँ पर किसी प्रकार का वेतन के विषय में नहीं है. No protection from persecution. और सताव से कोई सुरक्षा के विषय में नहीं है. No such facilities. और any other profitable facilities. और ऐसी कोई भी सुख सुविधाएं नहीं या लाभ देने वाली सुविधाएं नहीं. But the only thing he promised them was. और एक ही बात जिसकी वादा परमेश्वर ने उनसे किया. His glorious presence with them. कि परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति उनके संग चलेगी. Always. हमेशा. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful, wonderful promise. और कितना अद्भुत वादा परमेश्वर का है. And he is not attracting anyone by promising them. Some worldly acclaim or a worldly profit and worldly salaries, facilities.
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो किसी को ऐसे प्रभावित नहीं करता ये कहने के द्वारा परमेश्वर कि मैं तुम्हें एक अच्छा वेतन दूंगा, अच्छे लाभ सुख सुविधाएं दूंगा या लाभ वाली सुविधाएं दूंगा। एंड देयर आर सो मेनी हु पिक अप द बाइबल एंड गो एंड बिकम प्रीचर्स नॉट फॉर गॉड्स ग्लोरी और इन ओबीडियंस टू हिम बट एज अ मींस ऑफ गेन। लेकिन कई ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को उठाकर प्रचार करने निकल जाते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर की महिमा को दिखाएं, लेकिन अपने लाभ और पैसा कमाने के लिए। पर सच पीपल विल लूज एंड मिस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर को खुद खो देंगे। एक्ट चैप्टर 4 प्रेरितों का कार्य उसके 4th chapter वर्स 20 और 20वां वचन। We are told here in verse 20, for we cannot, the disciples is speaking to the authorities who came to persecute them. और यहाँ पर चेले बात कर रहे हैं उन अधिकारियों से जो उनका सताव करने आए। They said the authorities were forbidding them to preach this message again। उस समय के जो अधिकारी थे वो उन्हें रोक रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि तुम इस सुसमाचार का, इस संदेश का प्रचार नहीं कर सकते। So in response to that they said this, we cannot but speak the things we have seen and heard। क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। Then again in chapter 26 और उसके पश्चात फिर से प्रेतों के कार्य 26वें अध्याय में छब्बीसवां अध्याय 16वां वचन। We are told here, but rise and stand upon your feet. This is Jesus speaking, who appeared to him on the way to Damascus, when he saw the glory of the risen Lord. और यहाँ पर he fell on the ground. और यहाँ पर परमेश्वर पौलुस से बात कर रहा है, जहाँ पर उस दमास्कस नगर के रास्ते पर पौलुस का भेंट मुठभेड़ उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हुआ और उसका महिमामय उपस्थिति देखकर वो अंधा होकर उस रोड पर पड़ा था। And the Lord said, "Now rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you." परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। Person is called of God. और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है, God himself gives the message. और जब परमेश्वर खुद एक संदेश को उसे देता है, that man can only go forward and willing to pay any cost in order to fulfill that mission. तब वो व्यक्ति किसी भी दाम को चुकाने के लिए तैयार है कि किसी रीति से वो आगे बढ़कर उस उद्देश्य को पूरा करे, उस दर्शन को पूरा करे जो परमेश्वर ने उसे दिया है। Jeremiah was such a prophet. और यरमिया नबी भी कुछ ऐसा ही एक भविष्यवक्ता था। He was called of God. उसे परमेश्वर ने बुलाया। And in fact, then when Jeremiah was called, he was only a boy. He said, "I am only a child. I cannot do this." और जब यरमिया की बुलाहट प्राप्त हुआ तब वो एक बालक ही था और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तो एक बालक ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। And but God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, Before your mother formed you in your womb, I have seen you. कि इससे पहले कि तेरी माँ के गर्भ में तू बनाया जाता, मैंने तुझे देख लिया है। And before you
were born, और इससे पहले कि तेरा जन्म होता, I called you by your name. मैंने तुझे तेरे नाम से पुकारा है. And so Jeremiah was given a task to go and preach God's message. और इसलिए यर्मिया नबी को एक कार्य सौंपा गया कि वो जाए और परमेश्वर के संदेश को सुनाए. What did he get from the people? और उसको लोगों से वापस में क्या मिला? From the people he got rejection. और लोगों से तो उसे ठुकराना मिला. Not once, but again and again and एक बार नहीं लेकिन बार बार वो ठुकराया गया. Then stoning, और उसके बाद उसके ऊपर पथराव किया गया. उसके बाद सताव हुआ. And he was so upset and so angry. और वो बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी और गुस्से में था. This is what he told God. और उसने इस बात की शिकायत परमेश्वर से करी. Verse 9 says, और नवा वचन कहता है, If I say, I will not mention him or speak any more in his name. There is in my heart, as it were, a burning fire shut up in my bones, and I am weary with holding it in, and I cannot. यदि मैं कहूँ, मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो. और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता. That is the power of the message and the power of the caller who called us to preach the gospel. और ये है उस संदेश का सामर्थ्य और ये है वो संदेश बुलाने वाला जो हमें बुलाता है. We have submitted ourselves to God's will and God's call for us. और अगर हमने खुद को परमेश्वर की इच्छा अनुसार और परमेश्वर की बुलाहट अनुसार सौंप दिया है, We cannot but preach the gospel. तब हम कुछ नहीं लेकिन सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करेंगे. Otherwise, the word itself will become like a burning fire within your bones. That word will not allow you to sit quiet. और वो वचन आपके भीतर वो धधकती हुई आग के समान हो जाएगा और वो आपको शांति में बैठने नहीं देगा. And so that is what that's how Paul took it. और इसी रीति से पॉल उसने इस बात को लिया. And the secondly, और दूसरी बात, a minister is accountable to God. एक सेवक परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है. See, he faces judgment. और वो न्याय का सामना करेगा. Judgment if he does not preach. और वो उस न्याय का सामना करेगा अगर वो प्रचार नहीं करता. Verse 16 again, let me remind you, he says, to me if I do not preach the gospel. और 16वें वचन में मैं फिर से आपको याद दिला दूं, पौलुस कहता है, हाय हो मुझ पर अगर मैं उस सुसमाचार का प्रचार ना करूं. Now here the picture is. और यहाँ पर ये दृश्य बनता है. Of a sovereign Lord and an obedient servant. कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और एक आज्ञाकारी सेवक. The Lord has given Paul the assignment. और परमेश्वर ने एक कार्य को करने के लिए पौलुस को सौंपा है. And therefore it is God's choice that is involved here. और इसलिए ये परमेश्वर का चुनाव है कि पौलुस यहाँ पर जुड़ा है. Not Paul's choice or not my choice. और ये पौलुस का चुनाव या मेरा चुनाव नहीं है. It is God's choice that he has called me, called you. और ये तो परमेश्वर का चुनाव है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया. And one of the major reasons Paul was driven to preach. और एक मुख्य कारण कि पौलुस को खींचा गया कि वो प्रचार करे. The gospel was the terrible judgment that he would face if he failed. और वो ये था कि वो अगर उस सुसमाचार के प्रति प्रचार ना करे तो वो उस न्याय का, उस भयानक न्याय का सामना करेगा. That is the reason. और यही कारण है. He could not escape the call. और इसलिए वो उस बुलाहट से बच नहीं पाया. No, remember, if God has called you. और याद रखिए अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया. And first you said yes. और पहले आपने कहा हाँ. And then in the face of persecution, in the face of any problem, if you stop, then remember and leave and remember. There is a terrible judgment waiting for you. तब याद रखिए बीच में अगर सताव के कारण, किसी और मुश्किल और चुनौती के कारण आप परमेश्वर के बुलाहट के प्रति ना करते हैं, उसे त्याग देते हैं, तो एक भयानक न्याय आपका इंतजार कर रहा है. No person he has ever been called by God is exempt from this coming judgment. और याद रखिए कोई भी व्यक्ति इस आने वाले, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, इस आने वाले न्याय से नहीं बच सकता. And in verse 17, और 17वें वचन में, if Paul preached
the gospel willingly, और अगर पौलुस अपनी इच्छा से उस समाचार का प्रचार करता he has a reward. तब एक पुरस्कार उसके लिए रखा गया है. Amen. Amen. He has a reward. एक पुरस्कार उसके लिए है. Now in this world, और इस संसार में you may not be rewarded with the high salary, which is none. और उसमें से इस संसार में हो सकता है आपको एक अच्छी और ऊंची वेतन ना मिले, no other benefit, या कोई दूसरे सुख सुविधाएं नहीं. But there is a greater reward awaited for anyone who is obedient. लेकिन एक उच्च तोहफा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है किसी एक के लिए जो जिम्मेदार है. That reward itself cannot be compared with any other salary or benefit you get here. और उस पुरस्कार को किसी और दूसरे पुरस्कार से तुलना नहीं किया जा सकता, उन दूसरे वेतन लाभ और सुख सुविधाओं से कभी भी नहीं. But if he preached unwillingly, लेकिन अगर वो अपनी स्वेच्छा से नहीं प्रचार करता, he is still responsible to preach the gospel. वो तब भी जिम्मेदार है कि सुसमाचार का प्रचार करे. There is a word, trust is used. और यहाँ पर एक शब्द जिसका भरोसा जो है वो प्रयोग किया गया है. Yeah, here it is. For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am still entrusted with the stewardship. क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है. I've been trusted with this. और वो कहता है कि मुझे ये भरोसे के संग सौंपा गया. That word trust means a stewardship. और इस शब्द भरोसे का मतलब है भंडारीपन. A steward was the manager of a large household and estate. और एक भंडारी ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो एक बहुत बड़ी संपत्ति, भूमि और उसमें मौजूद हर एक बात का को प्रबंधन करता था, प्रबंधक होता था. Therefore, let it be understood by all of us. और इसलिए हम सब इस बात को समझें. A minister of God is the manager of God's household and estate. और परमेश्वर का दास, परमेश्वर के अगवे, परमेश्वर के संपत्ति, उसके जो भूमि है, उसकी जो वस्तुएं हैं, उसके अधिकारी या उसके प्रबंधक हैं. And that is the church. और वो है कलीसिया. Both the household and the estate. और याद रखिए सारे उस परमेश्वर का घर और साथ ही साथ उसकी संपत्तियां. And once God had called, और जब परमेश्वर ने एक बार बुलाया Paul to preach the gospel, पौलुस को कि वो सुसमाचार का प्रचार करे, the stewardship and trust of preaching the gospel was his. तब वो भंडारीपन होना और सुसमाचार का प्रचार करने का जिम्मेदारी पौलुस की थी. There was no release from the call and from duty. और याद रखिए उस बुलाहट या उस जिम्मेदारी से कोई आजादी उसे कभी नहीं मिल सकती. He would be accountable. क्योंकि वो जवाबदेह होगा परमेश्वर. He would be accountable to preach. और वो जवाबदेह होगा कि वो प्रचार करे. Preach the gospel or for not preaching the gospel. और वो या तो उस समाचार का प्रचार करे या तो उस समाचार का प्रचार ना करे. So the call to preach the gospel is an awesome responsibility. और इसलिए सुसमाचार का प्रचार करने का जो बुलाहट है वो एक अद्भुत बुलाहट है. There is nothing more serious than this call. और इस बुलाहट से ज्यादा गंभीर और कोई दूसरी बुलाहट है ही नहीं. The stewardship of the gospel is placed in the hands of the person God calls. और वो भंडारीपन, भंडारी होने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के हाथों में सौंपी गई है जिसे परमेश्वर बुलाता है. I as the pastor of a church. और मैं जबकि एक कलीसिया का पासवान हूँ. That calling upon my life. और वो बुलाहट जो मेरे जीवन पर है. Gives me an awesome responsibility. वो मुझे एक बड़ी अद्भुत जिम्मेदारी देती है. The responsibility of a steward. कि एक जिम्मेदारी एक भंडारी होने की. Now whatever the minister does with the gospel. और जो कुछ भी एक सुसमाचार प्रचारक उस सुसमाचार के संग करता है. Is all that will be done with the gospel, nothing more. And nothing less. और याद रखिए वही है कि जो वो सुसमाचार को प्रस्तुत करे उससे कुछ भी ज्यादा नहीं और कुछ भी कम नहीं. Nothing more, nothing less. और कुछ भी ज्यादा नहीं और कुछ भी कम नहीं. This is the seriousness of the call of God
अपॉन वन्स लाइफ। और ये है वो गंभीरता परमेश्वर की बुलाहट की एक के जीवन पर। Now then the question is, और अब सवाल ये उठता है, this is concerning the preachers, ये तो प्रचारकों के विषय में है, but this is also concerning every believer in the Lord Jesus Christ, लेकिन ये हर एक उस विश्वासी के लिए भी है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में, for we cannot escape our responsibility as a faithful steward, क्योंकि एक विश्वास योग्य भंडारी होने की हमारी जिम्मेदारी से हम कभी बच नहीं सकते। We are responsible for our own earthly household. हम जिम्मेदार हैं अपने इस पृथ्वी की जो भी घर घराना हमें सौंपा गया है। How seriously are you teaching and leading our children and those who are members of our household? Are we taking it seriously? और कितनी गंभीरता के संग आप उन बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को सिखा रहे हैं परमेश्वर का वचन? Our colleagues, हमारे संगी, our friends, हमारे मित्र, our neighbors, हमारे पड़ोसी, and we need to be very serious, और हमें बड़ी गंभीर होने की आवश्यकता है, to declare the gospel, ताकि हम उस समाचार की घोषणा करें, and always remember, और हमेशा याद रखिए, some may not respond, हो सकता है कुछ उत्तर ना दे, but some will, लेकिन कुछ देंगे, because some do not respond. That is no excuse for us to stop preaching. और क्योंकि कुछ उत्तर नहीं देते इसलिए हमारा ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाएं। Like Jeremiah. यरमिया की तरह। And may the Lord enable us. और होने दे परमेश्वर हमें सशक्त बनाए। Anoint us. हमारा अभिषेक हमारे हमें अभिषेक दे। And compels us. और हमें वो बोझ दे। To preach and to be a witness for Jesus. हम प्रचार करने पाएं और प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह ठहरने पाएं। God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर। For this reason the Holy Spirit is given to you. और इसी कारण वर्ष पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। And the stewardship. और वो भंडारीपन होना। Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता। We thank you for your call upon our lives. हम धन्यवाद करते हैं उस बुलाहट के लिए जो तूने हमारे जीवनों पर दी है। You not only called us for a task, but you also has given us the enablement and power to do it by sending and giving us the Holy Spirit. तूने ना केवल हमें कार्य करने के लिए उद्देश्य के साथ बुलाया है लेकिन तू हमें साथ ही साथ उस कार्य को करने के लिए सशक्तिकरण और वो अभिषेक और सामर्थ्य देता है। So may we very seriously consider this and do our part in fulfilling your great mission. और होने दे हम सब बड़ी गंभीरता के संग इस बात को ले और हमारा जो भाग है करने के लिए उसे बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास योग्यता के संग करने पाएं। For the glory of Jesus. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May this study compels you to go forward and be used of God so that some others will come to know Jesus as their Lord and Savior. होने दे ये अध्ययन आपकी सहायता करे और आपके दिलों में वो बोझ डाले कि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और उसके गवाह ठहरने के लिए कुछ ऐसे लोगों के पास जाएं जिसने जो यीशु के विषय में नहीं जानते। This is expected of us. और यही बात को हमसे आशा लगाई गई है। Meditate on this. और इस वचन पर मनन करें। And we will follow this study. और हम इस वचन पर आगे बढ़ेंगे। I recommend that next Wednesday before you come, please read Acts chapter 9. और मैं चाहता हूं कि आप इससे पहले अगले बुधवार को आए आप पहला कुरिन्थियों और उसके नवे अध्याय को जरूर पढ़ें। आमीन।